नमस्कार मित्रों, आर्यन डिजिटल स्टोरेज वगैरह में था सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे का ना आज वो केमन आई टेक्नो की तरफ से एक लेटेस्ट फोन स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है बजट प्राइस रेंज के अंदर। तो आज इस वीडियो में थाने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, इसका फीचर्स वगैरह बताऊंगा। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखता रहो। और टेक्नो केमन आई इसका ही है, वो फोन लॉन्च हुआ एक बजट प्राइस रेंज के अंदर। साथ ही थाने के माइक एक के मिला, पहले फोन को लुक दिखा देवा ऊपर अड़ा थाने बीच में। सबसे पहले मिल से 5.45 इंच की, यानी करीब 5.5 इंच की थाने डिस्प्ले मिल सी अंदर। सागे थाने पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट वगैरह मिल सी, कैमरों मिल सी। रियर कैमरो है जो भाई को 13 मेगापिक्सल है, बीका सागे में ड्यूल एलईडी फ्लैश है, यानी डबल एलईडी फ्लैश का सागो कैमरो मिल सी। अड़ा फिंगरप्रिंट सेंसर है, नीचे टेक्नो की ब्रांडिंग दे दी है। अड़ा थाने एक स्पीकर मिल जाओगे एक अंदर। और नीचे की तरफ बात करा तो एक चार्जिंग को पोर्ट है, एक माइक देड़ो है। और थाने में शामला की तरफ मिल सी 8 मेगापिक्सल को फ्रंट कैमरो। तो ये तो एक मेन जो बेसिक सा चीज़ा है वे आपा थाने बताइया। एक अलावा एक हमारे सिम कत्ती गल है, दो सिम गलसी सा गए या एक मेमोरी कार्ड या एक सिम ही गलसी, आप चेक कर लेवा सबसे पहले। चलो आप, बढ़िया चीज़ है एक अंदर, दो सिम के अलावा एक मेमोरी कार्ड अलग से लगा सको, नहीं तो नॉर्मली आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड ही लगा सका फोन के अंदर, तो आप अपने में ये चीज़ा सब मिल जावे। इसके अलावा ऊपर एक ऑडियो जैक है जी थे, मतलब गाना वगैरह सुन सको। मेन चीज़ बात कराई फोन के बारे में, और के का फंक्शन है तो आप एक सेटिंग मेन्यू में चाल कर देखा। डिस्प्ले साइज तो एक ठीक है, बढ़िया लाग रहे हो दिखना कमाए। आप एक मेन के जो स्पेसिफिकेशन आवे, एक ऑफिशियल चीज़ आवे, वे चीज़ा देख लेवा पहले, बिकॉज में का फीचर्स वगैरह और देखा। तो 2 GB की रैम दे दी ऐसी कि हमारे 16 GB को इंटरनल स्टोरेज ऐसी, और 8 मेगापिक्सल को फ्रंट कैमरा है, 13 मेगापिक्सल को रियर पिछलो कैमरा 13 मेगापिक्सल को है, जिसमें ड्यूल LED फ्लैश है। ठीक है, 1.28 GHz में प्रोसेसर मिल सी थाना, 3050 mAh की बैटरी मिल सी। तो बैटरी बैकअप शानदार देसी, बढ़िया चाल सी। इसके अलावा एको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 960x480 pixel है। एंड्रॉयड ओरियो लेटेस्ट मिल सी थाना के अंदर। तो फोन में थाना है एकदम लेटेस्ट, अबाउट फोन में जाकर चेक करा तो एंड्रॉयड वर्जन देखो, तो एंड्रॉयड वर्जन थाना ओरियो को मिल सी, जो कि एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड है बार की टाइम। तो ये थाना ही का कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। अभी की कुछ और फीचर की आप आगे बात करा तो सबसे पहले आप आई के बारे में बात करें, फिंगरप्रिंट के बारे में, फिंगरप्रिंट कसो काम करेगा। तो फिंगरप्रिंट है लगाता है देखो, लॉक अनलॉक होगो, और लॉक ये अनलॉक, और लॉक ये अनलॉक, ये लॉक ये अनलॉक। तो इसका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट काम करे। और फीचर ही का देखा आप कनेक्टेड डिवाइस में, पहले देखा तो एक तो कास्ट को फीचर मिला। कास्ट को मतलब थे टीवी में थारी स्क्रीन कास्ट कर सको, स्क्रीन कास्ट को मतलब आज जो थारे स्क्रीन पर कुछ भी चला रहे हो, जब इन ऑन कर सो और थारा भी टीवी से कनेक्ट कर सो, तो एक हमारे जो LED है थारी LED स्मार्ट LED होनी चाहिए, अभी हमारे कनेक्ट कर सो मिरर शेयर को ऑप्शन आवे, तो भी से अगर थे कनेक्ट कर सो तो इनमें जो सारी स्क्रीन है, मैं कोई गाना मूवी वगैरह कुछ भी चला रहे हो, बस सेम भी कमाए टीवी में दिखसी, चाहे व्हाट्सअप चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, बाबी के अंदर थाने कमाए देखना के लिए मिल जैसी। तो एक और फीचर है, एक अलावा एक हमारे OTG सपोर्टेड है, वो पेन ड्राइव वगैरह लगा सको मूवी वगैरह देखना के लिए, तो OTG सपोर्टेड भी है। साथ में स्टोरेज को चेक कर लिया कर तो मिल रहा है, तो खरीदने जाओ तो 16 GB में से 9.17 GB फ्री मिल रहा है, और टोटल रैम में से 1 GB तो यूज हो गया, 1 GB थाने और फ्री मिला एक्स्ट्रा। तो एक अलावा और बात करा तो एक हमारे कुछ चीज़ा है, टेक स्क्रीन शॉट विथ 3 fingers, नए तरीका से स्क्रीन शॉट ले सका। जब थे नीचे स्वाइप कर सो तीनों आंगले से सा गए, तो ये मैं स्क्रीन शॉट आ जिसी को यहाँ, तो स्क्रीन शॉट अलग से ले सको। साथ ही थे का सिक्योरिटी एंड लोकेशन वाली सेटिंग में जासी हो तो थाने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मिल सी, तो इन्हें सिक्योरिटी के लिए स्क्रीन लॉक तो लगा ही सको, अभी के वाला फिंगरप्रिंट आप चेक कराइए आप भी। इसके अलावा फेस आईडी को भी लॉक अनलॉक है, यानी फेस आईडी से थे इन्हें लॉक और अनलॉक कर सको, थारो फेस ही में सेट कर दो भी से लॉक हो सी भी से अनलॉक हो सी और कोई खोल बन सके, तो फेस आईडी को भी मैं एक एडवांस फीचर मिल जाएगा अपने। साथ ही आप चेक कर लेगा कैमरा फीचर्स का, तो कैमरा फीचर्स ने आप चेक करा तो कैमरा के वहाँ के फीचर मिला है। तो कैमरों अपनों पिक्चर को जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल को रियर कैमरों है। एक हमारा जब आप रिकॉर्ड करा तो फोटो वगैरह लेवा तो सैंपल लेकर देखा, तो फोटो कैसी क्लियर आवा सैंपल एक बार आप देख लेवा, तो फोटो एकदम ठीक आ रही है, बढ़िया आ रही है, क्लियर आ रही है देखो एकदम थे, और इन्हें फुल स्क्रीन पर भी कर सका आप फोटो ने, बढ़िया एकदम फोटो वगैरह आ रही है, और भी मैं सेटिंग वगैरह जिससे आप इन्हें फुल स्क्रीन पर देख सका। एक अलावा बात करा तो इनमें वीडियो HDR को भी ऑप्शन मिल रहा है, बढ़िया क्वालिटी थे पिक्चर और रिकॉर्ड कर सको। वीडियो क्वालिटी कैसी का बात चेक कराई कमाए, तो वीडियो पर जाओ
कत्ता पिक्सल तक रिकॉर्ड कर सको, 1080p तक रिकॉर्ड कर सको, 1080 पिक्सल तक रिकॉर्ड कर सको, तो हाई क्वालिटी का वीडियो थे के अंदर रिकॉर्ड कर सको, अलग अलग क्वालिटी का रिकॉर्ड कर सको, 720, 480, 1080 तक रिकॉर्ड कर सको। तो बढ़िया बढ़िया फीचर है, कैमरा में भी को शानदार है कैमरों। एक अलावा और था नहीं कमाए के मिल सी, तो मेन था ना जो एप्स वगैरह है वे सारे कमाए ऑलरेडी मिल जैसी थे। अगर वो बीच लो होम बटन क्लिक कर चो तो गूगल का सारा एप्स मिल जैसी, टूल्स में जा हो तो था ना वीडियो प्लेयर वगैरह रिकॉर्डिंग का सब मिल जैसी, रिकॉर्ड वगैरह करना के लिए, और सारा एप्स नॉर्मली जो मिल जा करे अभी अपन है एक अंदर मिल जैसी। तो एक कुछ फीचर्स है, बाकी डिटेल में अगर था ना और कुछ जानना है ये फ़ोन के बारे में तो थे फ़ोन R&D डिजिटल स्टोर पर संपर्क करके बड़ा खरीद सको। बाकी फ़ोन काफ़ी शानदार है, लुक वाइज अच्छा है, साइज़ भी अच्छी है, 5.5 इंच की करीबी की डिस्प्ले है, और इसमें 2 नैनो सिम के अलावा 1 SD कार्ड भी लगा सको, यानी थाना बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। रियर कैमरा में ड्यूल फ्लैश है, मतलब डबल फ्लैश और लाइट है, और बढ़िया फीचर है का थाना ये फ़ोन के अंदर, बढ़िया बढ़िया फीचर है, एक बजट प्राइस रेंज के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो अगर थाना वो फ़ोन खरीदना हो तो R&D डिजिटल स्टोर पर प्लीज़ से संपर्क कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।